श्रीलंका में अब हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। 105 दिनों के बाद सेना एक्शन में है, प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। इस दौरान गोल्फ की सड़कों पर भी तनाव दिखा। हालात अभी भी कई जगहों पर ऐसे हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। भारत की भी हालात पर नजर है। 105 दिनों के बाद अब श्रीलंका शांति बहाली की तरफ है। नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ले चुके हैं और राष्ट्रपति सचिवालय को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने पर काम शुरू कर दिया गया है। ये बीती रात की तस्वीरें हैं, जब कई दिनों के बाद श्रीलंकाई सेना को सख्ती करती दिखी। राष्ट्रपति सचिवालय को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन सेना अब सख्ती कर रही है क्योंकि राष्ट्रपति सचिवालय को सरकार के सुपुर्द किया जाना है। कार्रवाई के दौरान कुछ तनाव भी दिखा। गोल की तरफ जाने वाली सारी सड़कों को सील कर दिया गया है। सेना की कार्रवाई के दौरान कुछ लोग रोते दिखे। सेना ने प्रदर्शनकारियों के टेंट भी हटा दिए। राष्ट्रपति भवन को भी खाली कराया गया है। हालांकि बाहर प्रदर्शनकारी जमे हैं। हालांकि श्रीलंका के लोगों में गुस्सा थमा नहीं है। आर्थिक हालात खस्ता हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग नए राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। उधर भारत की हालात पर नजर है। भारत श्रीलंका को फिर से पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को $3.8 अरब की मदद की है। श्रीलंका की जो इस समय स्थिति है, भारत ने क्या क्या मदद की है और श्रीलंका को क्या क्या मदद की आवश्यकता है? श्रीलंका ने जब इस स्थिति में भारत की तरफ अपना रुख किया मदद के लिए, तो दो प्रमुख चीजों में उन्होंने सहायता मांगी। एक तो जरूरी चीजों के आयात के लिए, क्योंकि यहाँ विदेश मुद्रा की कमी हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज मांगी, जिसको कि हमने दिया। $1.5 बिलियन की वो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, 1.5 बिलियन से कुछ अधिक। तो उसके अंतर्गत फ्यूल, फूड आइटम्स, दवाइयाँ और फर्टिलाइजर, ये तीन चीजें उन्होंने भारत से आयात करी हैं। और उसके अलावा फॉरेक्स सपोर्ट के लिए, विदेशी मुद्रा सपोर्ट के लिए करीब करीब एक और कुल मिलाकर के ये राशि 3.8 बिलियन के आसपास आती है। ये सहायता भारत ने करी क्योंकि भारत हमेशा ही श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा रहा है। उम्मीद है कि श्रीलंका में हालात अब सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।